नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्रॉबेरी के पौधे को गमले में हमें किस प्रकार लगाना चाहिए, कैसी मिट्टी तैयार करनी चाहिए और क्या केयर रखनी चाहिए, क्या फर्टिलाइजर हमें उसे देनी चाहिए कि हमें अच्छी फ्रूटिंग गमले में स्ट्रॉबेरी से प्राप्त हो। तो नर्सरी से लाए हुए पौधे को गमले में पहले किस प्रकार लगाना है पूरी डिटेल में हम जानेंगे, तो वीडियो में आखिरी तक आप बने रहिएगा। लास्ट में वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा फर्टिलाइजर है जिसको डालने से आपको अपने स्ट्रॉबेरी के पौधे में बहुत सारे फल तोड़ने को मिलेंगे। तो दोस्तों अभी अगर आप स्ट्रॉबेरी लगाना चाहते हैं तो आप नर्सरी से इस तरह पौधे ले आ सकते हैं, ये प्लास्टिक के ग्रो बैग्स में भी मिलेंगी और इस तरह गमले में भी आपको मिलेंगी, तो इन्हें ले आके आप अपने यहाँ रिपोर्ट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमें इसकी मिट्टी किस प्रकार पहले तैयार करनी है स्टेप वाइज। दोस्तों मिट्टी तैयार करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों स्ट्रॉबेरी के पौधे के लिए जो हमें मिट्टी चाहिए वेल ड्राइड चाहिए कि इसमें पानी बिल्कुल रुके ना, हल्का मॉइस्ट बना रहे, इसलिए हम इसमें कोकोपीट का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। हम 10 भाग में से 4 भाग मिट्टी यूज करेंगे अपनी नॉर्मल गार्डन सॉइल, 3 भाग हम यूज करेंगे काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपको अवेलेबल हो, और उसके अलावा हम इसमें से 1 भाग यूज करेंगे परलाइट। परलाइट हम यूज करेंगे मिट्टी को वेल ड्रेन्ड बनाने के लिए। तो और फिर हम उसमें यूज करेंगे दोस्तों नीम खली एटलीस्ट 2 मुट्ठे, क्योंकि क्योंकि सर्दियों में जो भी हम पौधे लगाते हैं तो ओवर वाटर या किसी रीजन से मौसम के वेदर की वजह से हमारे पौधे में मिट्टी में फंगस की समस्या बन जाती है, तो इसलिए हम नीम खली को यूज कर रहे हैं। आप इसमें चाहें तो बोन मील भी मिला सकते हैं पर आपको कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हमने मिट्टी तैयार करनी है। मिट्टी आपकी होनी चाहिए कि आप जब भी वाटरिंग करो तो मिट्टी में वाटर होल्ड ना हो पाए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो और आपकी जो भी पानी आप देते हो तो मिट्टी को मॉइस्ट बनाए रखे पर पानी निकल जाए। इस प्रकार हमने मिट्टी तैयार करनी है। और दोस्तों दूसरी चीज़, हम जब भी स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाते हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाने के लिए हमें जो पॉट साइज चाहिए वो बहुत गहरा नहीं होना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल लेना है स्ट्रॉबेरी में तो आपको अपने पॉट की साइज एटलीस्ट गहराई उसकी 7 से 8 इंच से ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि दोस्तों जब हम ज़्यादा गहरा पॉट लेते हैं तो जो हम वाटरिंग करते हैं तो नीचे की मिट्टी सूख नहीं पाती है, ड्राई नहीं हो पाती है और स्ट्रॉबेरी की रूट्स उस मॉइस्ट मिट्टी में रह रह के ख़राब हो जाती हैं जिससे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों इस बात का आप ख्याल रखिए, खास ख्याल कि जो आपकी गहराई हो पॉट की वो 7 से 8 इंच से ज़्यादा ना हो। तो ये दोस्तों मेरा 7 इंच गहरा पॉट है जिसे मैं यूज कर रहा हूँ और ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए ढेर सारे ड्रेनेज होल्स हैं इसमें पॉट में, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। आप भी अगर नहीं हो तो आप खुद उसमें ड्रेनेज होल्स बना लीजिए और सारे ड्रेनेज होल्स को आप इस प्रकार किसी ये मेरा पुराना गमला टूटा हुआ था उसकी टुकड़ों से मैं इसे कवर कर दे रहा हूँ ताकि मिट्टी इस रास्ते बाहर ना निकल पाए। तो आप भी इस प्रकार इसे कवर कर दीजिए और फिर जो मिट्टी हमने तैयार की है उसे इसमें भर लेना है। इस प्रकार दोस्तों मिट्टी भर लेने के बाद हमें अपने पॉट से जो हम स्ट्रॉबेरी का पौधा लाए हैं इसमें से हमें स्ट्रॉबेरी के पौधे को निकालना है। देखिए जो थर्मोफॉर्म पॉट आते हैं इसमें से हमें पौधे निकालना बहुत आसान होता है। इस प्रकार हमें हल्का हल्का प्रेस करना है और चारों तरफ से मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और फिर हमने इस प्रकार 2 उंगलियाँ फंसानी हैं और इस पॉट को उल्टा कर लेना है और हल्का हल्का यहाँ से हमें पीटना है। इस प्रकार ये देखिए पूरा पौधा हमारा बाहर आ गया। अब दोस्तों जो हमें बहुत ही ज़रूरी काम है इस स्टेज पे कि जिस मिट्टी में हमारा पौधा लगा हुआ है आपको वो मिट्टी हल्की हल्की करके
जितनी हो सके उस रूट से हटा देनी, क्योंकि जो नर्सरी वाले जिस मिट्टी में हमारे पौधा लगाते हैं, हम जब वो पौधा ले आके घर पे एज इट इज उसी मिट्टी के साथ लगा देते हैं तो हमारा पौधा सर्वाइव नहीं करता है, मीडियम बदलने की वजह से चल नहीं पाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि उसकी जड़ों से मिट्टी जितनी हो सके आप हटा दीजिए। जब आप मिट्टी हटा के फिर लगाएंगे तो आपका पौधा बहुत ही अच्छे से सर्वाइव भी करेगा और ग्रो भी करेगा। तो आप इस प्रकार देखिए, जो इनकी साइड की फीडर रूट्स हैं, इनके साइड से हल्के हल्के मिट्टी इस तरह से निकाल लीजिए। और जितनी हो सके उतनी मिट्टी आप इसमें से कम कर दीजिए। हमने इसके रूट से जो इसकी मेन रूट है वहां पे आप थोड़ी मिट्टी छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां से भी अगर आप मिट्टी निकाल देंगे तो पौधे को सरवाइव करने में काफी मुश्किल हो जाएगी। ये देखिए पूरी रूट जो है हमने मिट्टी से अलग कर ली है इस प्रकार। ये देखिए अब जो ये पौधा है, अब इसको हम इस पॉट में लगाएंगे। ये पॉट की जो साइज है दोस्तों, इसमें दो पौधे हम आराम से लगा सकते हैं, तो हम इसमें दो पौधे ही लगाएंगे। देखिए थोड़ी सी मिट्टी हम साइड करके तो दिखाऊं गड्ढा बना लेंगे और इस गड्ढे में हम इस स्ट्रॉबेरी के प्लांट को सारी रूट्स के साथ इसमें हम इस तरह से लगा देंगे। सेम तरीके से दोस्तों हम दूसरे पौधे को भी दूसरी साइड में लगा देंगे। ये दोस्तों जो मिट्टी होती है हमारे इस जिसमें नर्सरी वाले लगा देते हैं, ये काफ़ी हद तक चिकनी मिट्टी या लाल मिट्टी होती है, जो कि हमारे पॉट की मिट्टी से बहुत ज़्यादा अलग होती है। तो जब मीडियम इसका चेंज होता है पौधे का और रूट्स चिकनी मिट्टी में ग्रो हो रही होती हैं और अचानक से फिर जो हम मिट्टी बनाते हैं देते हैं अपने पौधों के लिए उस मिट्टी में ग्रो होती हैं, तो पौधे के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है मीडियम चेंज करके ग्रो करना। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम इसे रिमूव करें। ये मेन रीजन होता है इसे रिमूव करने का, जड़ों से मिट्टी हटाने का। अब ये जो हमारी फीडर रूट्स हैं, ये हमारी जो मीडिया सॉइल जो हमने बना रखी है डायरेक्ट उसमें जाएंगी, तो उस मीडियम में अपने आप को ढालेंगी और फिर अच्छे से ग्रो होंगी। तो हमने दूसरा पौधा भी इसमें लगा लेना है इसी प्रकार से। ये हमारे दोनों पौधे लग गए दोस्तों। प्लांट लग जाने के बाद अब इसमें वाटरिंग देने से पहले हमें क्या करना है कि जो मिट्टी हमने बनाई है उसको मल्च करना है। मेरे पास अगर आपके पास धान की भूसी हो या पुआल जो इस समय गांव में यूज हो रहा है आग वाग जलाने के काम में, आप उससे मल्चिंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं कार्ड इस गत्ते की कार्ड की मदद से इसमें मल्चिंग कर दूंगा। मल्चिंग करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब हम इसमें वाटरिंग करते हैं और जब हमारे स्ट्रॉबेरी के पत्ते हैं ये मिट्टी के संपर्क में जब आते हैं तो इनमें बीमारियां फैलती हैं, वो पत्ते ख़राब होते हैं जिसकी वजह से हमारे पौधे ख़राब होने लग जाते हैं। तो जब ये पत्ते हमें बचाने हैं, इन्हें मिट्टी के संपर्क में नहीं आने देना है। और दूसरी चीज़, जब इसमें फ्रूटिंग की स्टेज होती है तो जो फ्रूट्स इसमें लग रहे होते हैं वो भी मिट्टी के संपर्क में आके ख़राब होते हैं। तो इस प्रकार हमने हल्की हल्की पत्तों की तरफ जहाँ पत्ते हैं इन्हें मल्च कर देना है ताकि वो जमीन मिट्टी से टच में ना रहें। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेज है, इस चीज़ को आप बहुत काम की इन्फॉर्मेशन दोस्तों, इसे आप इग्नोर मत करिएगा। आप करके देखिएगा, आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट इससे मिलेगा स्ट्रॉबेरी के पौधे में, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। ये दोस्तों हमने कर दी मल्चिंग अपने कार्डबोर्ड की मदद से। देखिए हमने चारों तरफ से मल्चिंग कर दी। अब इसके जो भी लीव्स हैं ये इस कार्ड पे रह जाएंगे। अब दोस्तों हमें इसमें कर देना है वाटरिंग। और वाटरिंग का स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स में आपको ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा वाटरिंग इस पौधे को, पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। अब आप इसको वाटरिंग, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो इसमें वाटरिंग आप तीन से चार दिन में एक बार ही करिएगा, और ये देखते हुए कि पौधे की मिट्टी ड्राई हुई है या नहीं।
अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि वो कंपोस्ट कौन सी है जो डाल के हम स्ट्रॉबेरी के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फल ले सकते हैं। तो दोस्तों आप काउडंग कंपोस्ट का लिक्विड मैन्यूर यूज करें, इसमें 10 से 15 दिन में एक बार, 1 से 1.5 महीने में आपको फ्रूटिंग मिल जाएगी, तो 10 से 15 दिन में एक बार आप इसमें काउडंग कंपोस्ट से बना हुआ लिक्विड कंपोस्ट यूज करें, आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपके स्ट्रॉबेरी के पौधे में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।